नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुबह मोटिवेशनल ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका भी कोई PF अकाउंट है और आप जो है कि अपने PF अकाउंट को अपने मोबाइल से ही विड्रॉल करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको वो तरीका समझाया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में और वहाँ पर आपको यूनिफाइड पोर्टल लिखना है, UNIFIED PORTAL। यूनिफाइड पोर्टल पे आप जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आता है मेंबर होम का, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UN नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करो, और साइनिंग पे क्लिक करो। उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आप लॉगिन हो चुके हैं अपने PF अकाउंट में। और फिर उसके बाद में दोस्तों आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C, 10D यहाँ पे हर चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो अभी तो दोस्तों हमें जो है कि 31 फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, वही अकाउंट नंबर दोस्तों यहाँ पे देना है जो कि PF ने अप्रूव किया है, जो इस साइट पे आपका अप्रूव हुआ है पोर्टल पे, वही अकाउंट आप यहाँ पे दीजिए। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे अप्रूव हो गया, ठीक है। और अब आपको दोस्तों प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप गए, आपको इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप जो है कि PF एडवांस निकाल रहे हैं, नौकरी करते हुए अपने PF को आप निकाल रहे हैं तो एडवांस के तौर पे 31 फॉर्म को फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 31। उसके बाद में दोस्तों आपको सेलेक्ट सर्विस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी में अभी हो मौजूद में वहां वाला आप क्लिक करो। और उसके बाद में दोस्तों आपको पारा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बहुत सारे पारा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी मैं इलनेस आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूं। और फिर दोस्तों आपको जितनी भी राशि निकालनी है यहाँ पे उतनी राशि आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमें अभी आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे 2000 रुपये निकालता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस लिखना है, जो कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे अपना स्टेट डाल दीजिए, रोड का नाम होगा या तो आप जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे उसका नाम होगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है, जो अभी आपका आधार कार्ड में जो है कि स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल दिया। और डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे जाइए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सिटी पे डाल दीजिए, जो भी आपका सिटी लगता हो। यहाँ पे आप अपना पिन नंबर डाल दीजिए जो कि आधार कार्ड में आपके है। दोस्तों आपने इतना फॉर्म को फिल किया, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपलोड स्कैन कॉपी आप चेक या तो पासबुक, ठीक है। चेकबुक हो आपके पास में या तो पासबुक हो। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, आप जो है कि चेकबुक में आपका नाम मेंशन होना चाहिए और पासबुक में भी आपका नाम मेंशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज है आपके पास में तो चल जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल पे आप जाइए। यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन देता है, कैमरा का, कैमरा वीडियो का और एक मीडिया का। अगर आपने स्कैन कॉपी रखी है तो बहुत अच्छी बात है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैन कॉपी रखी हुई है, तो हमने अपना जो है कि स्कैन कॉपी यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सही का निशान यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार आधारित। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और फिर उसके बाद में आप गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करो, उसके बाद में आपका जो भी आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, ठीक है, वो ओटीपी नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा आधार ओटीपी आ गया है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फिल किया। उसके बाद में दोस्तों आपको वैलिड ओटीपी, ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करो। दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारा अनेबल टू सबमिट क्लेम डाटा ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, आपका बिल्कुल हो जाएगा। अभी मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये रात का है, इसकी वजह से टेक्निकल एरर आ रहा है दोस्तों, आपका नहीं आएगा। आप इसको दोपहर में कर सकते हैं या तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे भी 10 बजे से 6 बजे तक इसको आप कभी भी कर सकते हैं। आपका बिल्कुल जो है कि यहाँ पे ऐसे ही आपका फॉर्म फिल होके और आपका जो भी पैसे आपने यहाँ पे डाल के रखे हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। मेरी वीडियो से दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है दोस्तों तो आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद।